मैं उनसे मुतालबा करता हूँ। बाकी यहाँ तो किसी के साथ जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे मुतालबात फजूल है। एक ईमानदार एस एच ओ यहाँ पर जो कहते हैं कि मैं दबंग एस एच ओ ईमानदार हूँ, आपको नहीं पता कि जो शाही चौकी का इंचार्ज, जो बार्डर हमारा होता है, जो सिंध का होता है, वहाँ पर जो तैनात होते हैं चौकी इंचार्ज, जो माना 7 लाख रुपए देते हैं मंथली उन बड़ों को, क्या उनको नहीं पता है? तो वो कहाँ से निकालते हैं? यही मंशियात फ्रोशों के अड्डों से जो है कहते हैं, हमें इलम नहीं है। अभी एस एच ओ साहब के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि जो है शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, ठीक है ना? आपको सब पता है कि यहाँ पर कौन क्या चलाता है, आपकी नाक के नीचे सब कुछ होता है। ईमानदारी के साथ सब कुछ, ईमानदारी के साथ आपकी दबंग एस एच ओ गिरी के साथ जो है सब कुछ ये होता है। और मैं समझता हूँ ये 10 फुट या 100 फुट होगा, यहाँ सामने जो है मंशियात फरोशी होती है। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे दरख्वास्त दे दें, मैं जो है नाम सीगा एराज में रखूँगा। भाई आपको तो सब इलम है, मैं आज मीडिया के तौर से पाकिस्तान के वारिसों से यही गुजारिश करूँगा, जो पाकिस्तान के वारिस हैं, उम्मीद है फारूक भाई ने नवाब साहब से भी गुजारिश की थी, इंशाल्लाह वो भी मंशियात के जो मिनिस्टर इंसाद मंशियात के नवाबजादा शाहजन मुफ्ती, वो भी एक्शन लेंगे। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम जाफराबाद के नौजवान भी कायम है उम्मीद पर, किसी उम्मीद पर कि वो कोई ज़रूर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ये एहतजाज अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कही थी तो इंशाल्लाह ये नौजवान ये सब जो इंशाल्लाह मज़ीद एहतजाज अपना जारी करेंगे।